Hey guys, CBSE ने क्लास 12th की मार्किंग स्कीम बता दी है. इट विल बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन क्लास 10th, परफॉर्मेंस इन क्लास 11th एंड 12th. आपको कहे ये कैसे होगा? बेटा सब स्कूल के पास अपना अपना रिकॉर्ड होता है, तो जिस भी बच्चे ने क्लास 10th में जितना भी स्कोर करा होगा उसका 30% लिया जाएगा, क्लास 11th का 30% लिया जाएगा, और जो क्लास 12th में यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड्स हुए थे उसके बेसिस पे 40% डिसाइड करा जाएगा. समझ रहे हो? 30-30-40 will be the criteria, and एक जो स्कूल है वो अपना एक एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म करेगा जिसमें 2 सीनियर मोस्ट टीचर्स और एक एक्सपर्ट टीचर होंगे, एंड दे हैव टू अपलोड द रिजल्ट बाय July 15. तो यस, July 15 तक आपको स्कोर मिल जाने चाहिए. डोंट बी स्केयर्ड गाइज, है ना? जितना भी आपने 10th में परफॉर्म करा था, 11th में परफॉर्म करा था, स्कूल के पास उसका डेटा होता है. क्लास 12th का भी जो भी आपने परफॉर्म करा उसका डेटा होता है. बेस्ड ऑन दैट योर ग्रेडिंग विल बी देयर. इफ नीडेड, आप चाहते हो कि एग्जाम दोबारा देना चाहते हो, उसका भी प्रोविजन होगा. अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम है तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो. ओके, हैव अ गुड डे.